उम्र कितनी? 24 साल। क्या करते हैं आप? ड्राइवर। आप मुनफेद को कितने साल से जानते हो? यारी दोस्त है, ज़्यादा दिन से तो जानता रहे उसको। उस रात को क्या हुई ये घटना पहले से बताइए अगर। वो मेरे मुझको साथ में ले गए आपने, 12-1 बजे गए थे हमें, फिर कह रहा थोड़ा आगे तक और चलो, फिर वहाँ से रेवाड़ी पहुँच गए। रेवाड़ी से क्या कॉल आया क्या नहीं आया मुझे कुछ नहीं पता। फिर वहाँ से वापस आए थे यहाँ पे, सही वालों की गाड़ी खड़ी थी, मुझे कोई काम है, मैं यहाँ पे कोई बात करता हूँ। ये पुलिस की गाड़ी? हाँ, सही वालों की थी। उसने बोला गाड़ी रोक लो, रोक दी गाड़ी, इतने में उसने गोली मार दी। आप लोगों के सामने गोली मार दी? हाँ जी सामने। मतलब कुछ बात भी नहीं की जिस गोली मार? नहीं, उसने कहा भागना मत, रुक जाओ आप। उसने कहा भाई साहब भाग नहीं रहे हम, रुके पड़े। बस इतने में उसने गोली मार दी। फिर आप लोग तो डर गए? डर गए जी, उसके गोली जहाँ पे लगी थी। अच्छा, जहाँ पे लगी थी। एक ही गोली गोली लगी? एक ही गोली चलाई थी, वही लग गई जी यहाँ पे। आप लोगों को पे गोली चलाई? हाँ, बाद में चलाई थी। हम तो साइड में चले गए, हमको तो पता था वहीं मर गया वो, दूसरे दिन ही घर पे आ गया। और फिर पुलिस आई थी आपके? नहीं आई, कुछ भी नहीं। उनको पता है आप थे वहाँ पे? अभी तो नहीं पता। अच्छा। मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, मैं तो पहली बार गया था यहाँ। क्या सोच रहे हो, क्या करेंगे आप? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं गवाही दे दूँगा उसकी, अगर गवाही लेना चाहिए। जब उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी तो उसके पास कोई हथियार था, कोई चाकू हो? कुछ या नहीं, फिर कुछ नहीं। पुलिस के साथ एक मिनट भी बात नहीं हुई? कम से कम 2 मिनट बात हुई थी। अच्छा, दो मिनट तक रुके थे, इतनी दूर ज्यादा फासला भी नहीं था गाड़ी का। उसने पहले ही गन निकाल रखी थी, भागना में तो गोली मार दूंगा। अच्छा, क्या लगता है किस लिए उनको मारा? इतना पता मुझे, अपने साथ ले गए थे, मुझे इस बात का भी नहीं पता किस लिए मारा किस लिए नहीं मारा। ये बताइए कि जब मतलब आप 2-3 घंटे उनकी गाड़ी में साथ चल रहे थे तो क्या बात हुई थी, किस जगह जा रहे थे? वो कह रहा था टाउड़ तक चल रहे हैं, फिर उसने बोला रेवाड़ी आगे चल रहे हैं, आगे रेवाड़ी का नाम नहीं लिया, तो उनके यहाँ तक चल रहे हैं बस। तो उसी में बैठा था, वो मेरे साइड में बैठा था। कितने लोग टोटल थे गाड़ी? हम 3 लोग थे। और आपको कैसे पता चला कि सीआई की गाड़ी है जो कह रहे हैं? वो मैंने, वो ड्राइवर था ना, उससे पूछा था बिल्कुल कौन है, वो ड्रेस है बड़ा है नहीं, कोई भी नहीं ड्रेस, सब बैठे थे, बैठे बैठे नहीं गोली मारी थी। तो आप पहचान सकते हैं अगर उनको पहचान? हाँ जी, एक तो सामने खड़ा था, एक गाड़ी के पीछे खड़ा था राइफल लेकर, और वो बैठा था सीट पे, ड्राइवर सीट, उसने चलाई। उसका नाम क्या है? सतीश बता रहा था। अगर आपके सामने खड़ा कर दे तो आप पहचान लो? उनके पास बोलेरो थी, 2:30-3 घंटे रात के। उसने बोला गोली लगी है मारी, उसके यहाँ पर गोली लगी, फिर उसके यहाँ पर हाथ लगा, वापस रिवर्स की गाड़ी, रिवर्स ले गए, वापस चले गए। गाड़ी कौन चला रहा था आप? नहीं, वो दूसरा बंदा, तीसरा तीसरा था। हम रास्ते में वो पीछे पीछे से आए वाले पीछे पीछे आ रहे हमारे, वो ऐसे उसने हाथ पांव फैला दिए, हमने वहाँ पर छोड़ दिया, हम भाग गए। वो बिल्कुल पीछे आ रही थी हमारे, उसने फिर बाद में गोली भी चलाई। कौन सी जगह की घटना है ये? अट्टा बोलते हैं जी, पहाड़ में। अच्छा, जो गोली लगी थी वो सामने, वो शीशा टूटा उस गाड़ी का? टूटा। कौन सा शीशा? सामने का। तो अभी आपको कोई खतरा है किसी से कुछ? पुलिस का दबाव आएगा, अब तो आएगा और ज्यादा आएगा, करेंगे जी, अब दवाई देंगे हम तो।